गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हमारी आज की दूसरी कक्षा है जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। हमारी पूर्ववर्ती कक्षा में पढ़ा था हमने कि हमें जनसंख्या, पहले तो जनसंख्या होता क्या है, होती क्या है, व्हाट इज एग्जैक्टली व्हाट इज द पॉपुलेशन ना। उसके बाद हमने बोला व्हाई वी रीड दिस, हम इसे पढ़े क्यों, हमारे भूगोल की कक्षाओं में इसे पढ़े क्यों। उसके बाद हमने देखा कि जनसंख्या क्या एक संसाधनों का दोहन करता है या खुद संसाधन है। हमने ये सब चीजें जानने के बाद हम आज के इस हमारे टॉपिक पे आते हैं, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। देखो, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने में प्राकृतिक कारकों और मानवीय कारकों दोनों की प्रधान भूमिका रहती है, लेकिन जाहिर सी बात है प्राकृतिक कारकों की भूमिका अधिक प्रधान है, मानवीय कारकों की थोड़ा उसके बाद उसका स्थान आता है। प्राकृतिक कारकों को जो नेचुरल फैक्टर्स हैं, जो नेचुरल है एक्चुअली नेचुरल फैक्टर्स हैं, उनको हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं, एक है व्यापक कारक और एक है प्रादेशिक कारक। व्यापक कारक वो कारक, यूनिवर्सल फैक्टर वो फैक्टर्स होते हैं जो आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ ये जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करेंगे करेंगे। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ ये कारक तो प्रभावित करेंगे करेंगे। अच्छा, जब ये कारक प्रभावित करेंगे तो इसके बाद में दूसरा जो आधार आता है प्रादेशिक कारक का, प्रादेशिक कारक का। तो पहला कारक है व्यापक कारक, दूसरा प्रादेशिक कारक। प्रादेशिक कारक जब ये प्रभावित करने के बाद ये कारक भी महत्वपूर्ण होते हैं, ये दुनिया के विभिन्न प्रदेशों में थोड़ा अलग होते हैं, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भिन्नता लिए हुए रहते हैं और वहां पर उनकी जनसंख्या की मौजूदगी, वहां जनसंख्या घनत्व को और जनसंख्या की दक्षता को प्रभावित करते हैं। जो पहला कारण जो यह है यूनिवर्सल फैक्टर है, इनमें हम लोग देखेंगे कि पूरी दुनिया में इनका समान प्रभाव रहता है, चाहे कहीं भी जाओ इनका प्रभाव रहता ही रहता है। पहला स्थिति, आप उस जिस क्षेत्र में आप घर निवास करते हैं उस क्षेत्र की स्थिति कैसी है, वो कहाँ स्थित है, उसकी लोकेशन क्या है, ग्लोबल लोकेशन क्या है, उसकी ग्लोबल लोकेशन क्या है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अगर कोई क्षेत्र, अगर मान लीजिए कि वो विषुवत रेखा के पास है तो वहां की जलवायु उष्ण होगी, उष्ण जलवायु जाहिर सी बात है कि अधिक उत्पादकता प्रदान करती है, वहां की फर्टिलिटी रेट ज्यादा होती है। और एक क्षेत्र है, आप बात करते हैं ग्रीनलैंड की, नॉर्वे की है, और कनाडा की, रशिया की, साइबेरिया की, मंचूरिया की, मंगोलिया की, या हम लोग बात करते हैं दक्षिण चिली की, एंटार्क्टिका की। तो ऐसे भागों में जो जिनकी ग्लोब पर उनकी स्थिति ऐसी जगह हैं जो जो सुदूर भागों में हैं, जो उच्च अक्षांश में स्थित हैं, तो वहां पर इन मानव समुदायों की संख्या कम होगी, पॉपुलेटेड कम होगी। दूसरा लोकेशन, एक ही चीज रहती है कि जहां है समुद्र के पास में है, सागर की जलवायु का समकारी प्रभाव हो जाता है। देखिए आप जब हम लोग देखते हैं कि एक तरह से गल्फ स्ट्रीम की धारा है, गल्फ स्ट्रीम की धारा जब नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट के रूप में बहती यूरोप तक आती है तो यूरोप में सर्दियों में भी रूस का मार्मोंस बंदरगाह जमता नहीं है और समुची उत्तरी पश्चिम यूरोप की जलवायु एक तरह सम बनी रहती है प्रभाव से। उनकी लोकेशन है सागर के पास, नजदीक की लोकेशन होने के कारण उनका सागर का समकालीन प्रभाव रहता है। यह स्थिति कहाँ है, मध्य अक्षांशों में है, किस तरह की, जिस तरह की लोकेशन उसकी जो ग्लोब पर रहती है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा है समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई। अच्छा, समुद्र तल से ऊंचाई क्या जलवायु को, सॉरी जनसंख्या को प्रभावित करती है, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है। अब हम देखते हैं मीन हाइट फ्रॉम मीन सी लेवल, जो कहते हैं ना हम लोग, तो जैसे हम लोग समुद्र तल से ऊंचाई वाले स्थानों की ओर जाते हैं जनसंख्या का वितरण कम होता जाता है, अधिक ऊंचे भागों में बहुत कम लोग निवास करते हैं।
एक्सेप्ट है कि दुनिया की 75% आबादी 75% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिजाइड्स इन और लिव्स इन अंडर 500 मीटर हाइट ऑफ मीन से, यानी समुद्र तल से औसत जो 500 मीटर की जो ऊंचाई है उससे कम वाले भागों में ही दुनिया की 75% आबादी निवास करती है। कितने? दुनिया की जो 3/4 जनसंख्या दुनिया के 75 जो सिर्फ 500 मीटर से कम ऊंचाई वाले भागों में निवास करती है। ठीक है, तो ये बड़ा कारण है क्योंकि जैसे जैसे पर्वतों की जैसे ऊंचाई की ओर जाते हैं तो पर्वतों की जलवायु शीतल होती जाती है, ठंडी होती जाती है, और बाद में वो बहुत ज्यादा ठंडी होने पर वहां पर मानव निवास के उपयुक्त नहीं रहती। दूसरी बात है वहां पर ऑक्सीजन की भी कमी होने लगती है, तो इस स्थिति के कारण वहां पर जो निवास करने वाले मानव समुदाय है उनके जीवन निर्वहन के लिए उपयुक्त दशाओं का अभाव होता है, और ऐसी उपयुक्त दशाओं के अभाव के कारण वहां की जैव उत्पादकता भी कम होती है। वहां की जैव उत्पादकता भी होती तो वहां पर लोग कम निवास करते हैं। बहुत दुनिया के बहुत कम ऊंचे भाग हैं जो विषुवत रेखा के जो पास में पर्वतीय क्षेत्र है, जो ऊंचाई वाले भाग है, वहां जरूर जनसंख्या निवास करती है ज्यादा मात्रा में, बिकॉज क्योंकि वहां पर जो एक तरह से उष्ण कटिबंधीय जो दशाएं होती है उनकी उष्णता कम हो जाती है और काफी ऊंचाई तक वहां पर जनसंख्या निवास करने में या ऊंचाई वाले स्थानों में निवास करने में सफल रहती है, ताकि वहां पर ये सब होने के बाद भी उन जीवन जीने योग्य दशाओं में कोई बदलाव बहुत कम होता है। तो उसके बाद हम एक होता है कि समुद्र से ऊंचाई वाला जो भाग है ये जो कारण है ये पूरी दुनिया में अगर आप एंडीज में चले जाएंगे तो भी ये कारण प्रभावित करेगा, हिमालय में चले जाएंगे तो भी प्रभावित करेगा, ये आप अमेरिका में रॉकीज में चले जाएंगे तो भी प्रभावित करेगा, आल्पस में भी यूरोप में प्रभावित करेगा, है ना। ये दुनिया के सभी महाद्वीपों पर इक्वली रूल ये लागू होता है कि जहां ऊंचाई वाले स्थान है वहां पर जनसंख्या कम निवास करती है बनिस्पत उन क्षेत्रों की तुलना में जो मैदानी भाग है या जो कम ऊंचाई वाले सागर तल से कम औसत ऊंचाई वाले भाग है। जलवायु भी एक यूनिवर्सल कारक है जो जनसंख्या को प्रभावित करता है, जो पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करता है। ये कैसे करता है? जैसे कि अगर किसी क्षेत्र की जलवायु बहुत उष्ण या शुष्क है, अर्थात उष्णमान जो उष्ण जो फसल मरुस्थलीय जलवायु है, तो वहां पर जो उस क्षेत्र विशेष की जैव उत्पादकता कम हो जाती है, तो वहां पर निवास करने वाले जो मानव समुदाय है वो अपना उनको अपने भोजन बनाने में और जो अपने जो नित्य प्रतिदिन की क्रियाएं हैं उनको संपादित करने में उनको कठिनाइयां महसूस होती है। तो इन कठिनाइयों की के कारण ये जो कबीले हैं जो समुदाय है वहां रहते हैं उनको भोजन में दिक्कत आती है, तो वो ऐसे स्थानों के बजाय कहीं सुविधाजनक स्थानों पर ही रहना पसंद करते हैं। ऐसा ही बात है तो हम देखें कि जो शीत जलवायु के प्रदेश है जैसे कि एंटार्क्टिका का भाग है, हम लोग ग्रीनलैंड और साइबेरिया की बात करते हैं, अलास्का की बात करते हैं, कनाडा के जो उत्तरी भाग हैं उसकी बात करते हैं, स्कैंडिनेवियन जो एक तरह से रीजन है उनकी बात करते हैं, तो वहाँ पर क्या है जहाँ पर जलवायु बहुत कठोरता लिए है, शीत कठोरता लिए है, तो वहाँ पर लोगों का जो निवास करने वाले लोगों की संख्या है वो कम रहेगी, उनकी जलवायु प्रतिकूलता है प्रतिकूलता उन्हें वहां रहने से रोकेंगी। इसी प्रकार उष्ण और आर्द्र दशाएं भी चाहे अमेज़न के जंगल हो, चाहे कांगो बेसिन के जंगल हो, चाहे दक्षिण पूर्व एशिया के जावा सुमात्रा और जो कैसे पापुआ न्यू गिनी है उनके बोर्नियो के जंगल है, वहां की जो दशाएं हैं वो भी कम जनसंख्या या को पोषित करती है या उनको रहने के लिए उपयुक्त दशाएं उपलब्ध नहीं करवाती है। तो क्योंकि ऐसी दशाओं में विभिन्न प्रकार की बीमारियों का प्रकोप रहता है, विभिन्न एक तरह से उमस और आर्द्रता भरा हुआ माहौल होता है, वो आदमी की एक तरह से
जो स्वच्छंद सोच है विकसित हो पाती है, तकनीकी कुशलता लाने में भी दिक्कत पैदा करता है। तो ऐसे स्थानों पर भी जनसंख्या कम निवास करती है, अर्थात जलवायु विश्व के विभिन्न भागों में कहीं भी जाए अगर ठंडा है तो वहाँ लोग कम निवास करेंगे, बहुत ज़्यादा ठंडा है तो कम लोग निवास करेंगे, बहुत ज़्यादा गर्म है तो भी कम लोग निवास करेंगे, बहुत ज़्यादा ऊंचा सॉरी सॉरी आर्द्रता वाला भाग है तो भी वहाँ कम निवास करेंगे। इस प्रकार जलवायु एक ऐसा पैरामीटर है, ऐसा कारक है, फैक्टर है जो पूरी दुनिया के हर कोने में निवास करने वाले लोगों को प्रभावित करता है, अर्थात जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। एक भूमि की बनावट, भूमि की बनावट किस प्रकार की है, जैसे हम बात करें कि मेनली जो फीचर्स होते हैं, रिलीफ फीचर्स होते हैं हमारी, जो एक पहली बात हम करते हैं कि पठार की बात करते हैं, पर्वत की बात करते हैं, या बात करते हैं हम लोग मैदान की, तो इन इस तरह के स्थलाकृतिक जो स्वरूप होते हैं उनमें मैदान में जनसंख्या सबसे अधिक पाई जाती है, चाहे वो भारत में मैदानी भाग हो, चाहे अमेरिका का मैदानी भाग हो, चाहे यूरोप का हो, चाहे अफ्रीका का हो, या किसी भाग का हो, दुनिया के किसी भाग में मैदानी भागों में अधिक जनसंख्या निवास करेगी। ये यूनिवर्सल कारक है, ये यूनिवर्सल फैक्टर है जो पूरी दुनिया में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। पठारों पर मैदानों की तुलना में कम लेकिन पर्वतों की तुलना में ज्यादा जनसंख्या निवास करती है, पठारों पर पहाड़ों की तुलना में कम लेकिन मैदानों की तुलना सॉरी मैदानों की तुलना से कम लेकिन पहाड़ों की तुलना में ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। पर्वतों में सबसे जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, हिली एरियाज होते हैं, वहां पर बहुत कम लोग निवास करते हैं क्योंकि उनके लिए जो दैनिक कठिनाइयों का स्तर है वो मैदान और पठारी भागों की तुलना में ज्यादा होता है। उनको भोजन बनाने में और अपनी विभिन्न क्रियाओं को संपादित करने में जो परेशानियां उठानी पड़ती है वो पर्वतीय भागों में ज्यादा उठानी पड़ती है। इसलिए पर्वतीय भागों में दुनिया के प्रत्येक भाग की बात करें तो वहां पर एक तरह से कहें कि भूमि का बनावट है वो एक प्रभावित करती है, चाहे आप हिमालय का जो पर्वतीय भाग हो, चाहे रॉकीज का हो, चाहे इंडीज का हो, चाहे आल्पस का हो, चाहे पॉन्टिंग और टॉरस हो, एल्ब्रुज और जेग्रोस हो, किसी प्रकार का या कुल्लून हो, काराकोरम हो, किसी प्रकार का पर्वतीय भाग है वहां पर कम जनसंख्या निवास करेगी बनिस्पत मैदानी भागों की तुलना में। मैदानी भाग चाहे गंगा सिंधु का जो मैदान हो, ब्रह्मपुत्र का मैदान हो, है या फिर यांगजी या होंगो का मैदान हो, सिक्यांग का मैदान हो, या दजला फरात का मैदान हो, कहीं भी देखेंगे हम लोग कि भूमि की जो बनावट है वो कारक पूरे विश्व भर में एक तरह से प्रभावित करते हैं जनसंख्या वितरण को। और मैदानी भागों में ज्यादा जनसंख्या निवास करती है, ज्यादा लोगों का भरण पोषण की क्षमता होती है क्योंकि नदियां द्वारा लाई गई कांप मिट्टी वहां बिछाई जाती है जिससे कृषिगत गतिविधियां और विभिन्न प्रकार की परिवहन एवं औद्योगिक गतिविधियां ज्यादा बेहतर तरीके से संपादित की जा सकती है बजाय पर्वतीय या पठारी भागों की तुलना में। इसलिए मैदानी भागों में ये गतिविधियां या मानवीय गतिविधियों का प्रभाव ज्यादा रहता है, इसलिए जनसंख्या का वितरण भी यहाँ ज्यादा रहता है। तो आज की कक्षा में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, आगामी कक्षा में हम प्रादेशिक कारकों पर चर्चा करेंगे कि प्रादेशिक कारक जनसंख्या के वितरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं।